मेंटल मैथ क्लास 7। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाई। बच्चों आज एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जी हां, सिंपल इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो सिंपल इक्वेशन आज हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तक हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखकर बच्चों प्रैक्टिस जरूर करनी है। आइए करना शुरू करते हैं सिंपल इक्वेशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ठीक है। सिंपल इक्वेशन बच्चों ये देख रहे हैं आपके सामने है। तो करना कैसे है, बहुत ही ईजी है बच्चों। देखो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर इक्वेशन का मतलब इक्वल, दोनों तरफ एक LHS होता है एक RHS होता है, ठीक है। दोनों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है अगर इधर कोई नंबर माइनस में है तो वो नंबर जब जंप कराते हैं इक्वल के साइन से इधर, यानी लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में ले जाएं तो वो प्लस का हो जाता है, या फिर प्लस राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाए तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखना है, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा अगर इधर से इधर जाता है तो, ठीक है ना। वही है, अगर इधर प्लस का है तो भी इधर जाकर वो किस चीज़ का होगा, माइनस का होगा। अगर लेफ्ट साइड में प्लस का कोई नंबर है, ठीक है ना, तो राइट साइड में जाकर वो प्लस का नंबर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर इधर कोई मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ठीक है, LHS पर, तो वो RHS पर जाकर यानी राइट हैंड साइड में जाकर वो नंबर हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, या अपॉन में लिख देते हैं, और जो डिवाइड का नंबर होता है वो हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पर कहता है कि 5x, ठीक है, और ये -4 है, तो हम क्या करेंगे, x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ तो x नहीं लिखा हुआ है, तो हम इस -4 को लेके आते हैं बच्चों राइट साइड में, तो ये माइनस का इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये पेन चल नहीं रहा, दूसरा ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये किस चीज़ का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16 और 4 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल 20 और 5 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, मैंने कहा था जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है वो किस फॉर्म में होता है, डिवाइड में हो जाता है, या तो डिवाइड 5 कर दो या बटे में इधर अपॉन में 5 कर दो, ये भी डिवाइड होता है। तो 5 + 5, 5 + 4 = 20, अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, दैट मीन्स x इक्वल आ गया 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब इस वैल्यू का मतलब है अगर हम इस x की वैल्यू को इधर लेफ्ट साइड में रख कर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इधर 16 तो है ही ऑलरेडी, इधर भी 16 आएगा, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो अब हम देख रहे हैं LHSV एक्स की फॉर्म गिवन है, इधर भी एक्स की फॉर्म में गिवन है ना कोई नंबर, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाले को आपको लेके आना है लेफ्ट साइड में और डिजिट को ले जाना है राइट साइड में, ठीक है। तो 2x और ये इधर 3x है, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो इसको ही तो लेके जाना है ना लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इधर ये प्लस का, तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। भाई जिसके जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता वो भी क्या होता है, प्लस का होता है। तो ये +6 और ये प्लस 9 को लेके आना है इधर राइट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का ऐसे, ठीक है। और ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा, वो बड़े नंबर के सामने माइनस, इसलिए माइनस का आया है, और इधर क्या आ गया, -3 आ गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, इधर बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन, इसलिए माइनस का आ गया, तो माइनस से माइनस के साइन को काट देंगे, फाइनली आपका आंसर आ गया x = 3, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो बच्चों, चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले LHS को लेके चलते हैं, ये वाला, तो 2x + 9 लिखा हुआ है ना, तो 2x + 9, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2x जगह जो x की वैल्यू आई है उसको लिखना है और +9, ठीक है। 3 + 2 कितना होता है, 6,
प्लस 9, 9 प्लस 6 कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। अब RHS को लेके चलना है, अगर RHS भी 15 आता है तो दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज राइट। तो लिखा 3x प्लस 6, तो 3x की जगह x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू है 3, तो 3 लिखेंगे और प्लस 6, 3 जो होता है 9, 9 प्लस 6, ठीक है ना, तो कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया, तो दैट मीन्स इट इज ए राइट, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज राइट। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों देखो, इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, ब्रैकेट गिवन है और ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर है, तो पहले क्या करना है, उस नंबर से उस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आइए करते हैं, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x, और 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 6 18 और इक्वल 9x, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब जो x वाले टर्म है उनको एक तरफ ले आना है, मीन्स आप LHS पे ले आओ, तो 3x इधर ही आकर हो जाएगा माइनस 9x और इक्वल ये 18 है, इसको ले आओ आप RHS की तरफ, इधर भी ये प्लस का है, ठीक है, साइन तो प्लस का, इधर आकर ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। आइए इधर कर लेते हैं, अब 9x में से 3x माइनस करना है आपको, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, जब भी टू नंबर पर अपोजिट साइन आए तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे 6x, और बड़े नंबर के सामने माइनस, इसलिए माइनस का आ जाएगा और इक्वल माइनस 18, ठीक है। माइनस से माइनस का साइन कट गया, x की वैल्यू निकालनी है, तो 18 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया। अब 18 को 6 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, x इक्वल क्या आ गया, 3 आ गया, दिस इज द आंसर। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फिर वही आ गया, इसमें ब्रैकेट और बाहर कोई नंबर है, बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई, इधर भी फिर वही है मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट भी गिवन है और नंबर भी गिवन है बाहर, ठीक है, तो नंबर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, इधर भी करना है। ये कर लेते हैं, 3 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3x, और माइनस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 जा 9, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 10x, और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, ठीक है ना, इस तरीके से। अब क्या करना, अब x वाले टर्म को लेके आना है आपको LHS में, तो 3x तो ऑलरेडी LHS पर है, ठीक है ना, तो ये 10x को लेके आएंगे, इसके सामने कोई साइन नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज ए प्लस, ठीक है, प्लस का इधर LHS पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाता है इस प्रकार, और इधर है 5, और माइनस 9 को लेके आना इधर RHS की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये माइनस प्लस माइनस होते हैं, 10 में से, ठीक है, 3 को माइनस कर देना है, 7x आ जाएगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस है, इसलिए माइनस का आएगा, और 9 और 5 होता 14, ठीक है, ये तो दोनों प्लस के, आइए इस तरफ कर लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालनी है बच्चों 14, माइनस एक्स, माइनस के साइन को इधर ही रखो, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ जाता है ऐसे, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, जब 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये x इक्वल क्या आ गया, 2, ठीक है, लेकिन ये माइनस का साइन है, इधर इस माइनस के साइन को इधर लगा दीजिए आप, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नंबर तो है नहीं, तो साइन को इधर लगा सकते हैं, ठीक है, तो सेम आ जाएगा, तो ये दिस इज द आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये देखो, अब बच्चों ब्रैकेट गिवन है, लेकिन ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर नहीं, सिर्फ साइन साइन है, तो आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस का है भाई, 2x के सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, और ब्रैकेट खोलने के बाद ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, इस तरीके से, तो ये माइनस का हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर है, फर्स्ट नंबर का साइन चेंज हो गया, तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है, अब x वाले टर्म को रखना है इधर, इक्वल 2x है ना, 2x लिख लेते हैं, और इधर ये 25, अब इधर 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 इधर प्लस में रहेगा, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस कट गए, तो इसका मतलब यहाँ पर आप इसको करना चाहें तो इधर तो जीरो आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर ये क्या हो गया, डिवाइड में आ गया, और जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब जीरो ना तो माइनस की होती ना प्लस की, यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, जीरो जो है वो जीरो होती है, तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो, अब इस प्लस को, प्लस 4 है बच्चों इधर, ये फ्रैक्शन में x बाई 3 लिखा हुआ है,
ठीक है, इस प्लस को फोर को लेके आना है इस साइड में पहले, तो ठीक है इधर ही प्लस है, इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा, तो इसे लिख लेते हैं यू का यू, और सिक्स इधर आकर ये माइनस फोर, ठीक है इधर प्लस फोर था, राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल, अब सिक्स में से फोर माइनस करो कितना आ गया, टू आ गया। थ्री इधर किस फॉर्म में, डिवाइड में, भाई एक्स के साथ नीचे है ना, ये डिवाइड की फॉर्म में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, तो एक्स थ्री टू जा, थ्री टू जा सिक्स, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, ये रहा आपके सामने। अब क्या करना है बच्चों, देखो फिर वही लिखा है, एक्स के साथ माइनस वन बाई थ्री लिखा है, अब माइनस वन बाई थ्री को लेके आना है इस साइड में, तो इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे मिक्स नंबर लिखा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। थ्री को वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, थ्री वन जाए थ्री, और ये जो टू है इसको ऐड कर दें, थ्री और टू फाइव, तो फाइव बाय थ्री हो गया, ठीक है। और ये माइनस वन बाय थ्री, इधर आकर ये प्लस वन बाय थ्री हो गया। अब आपको इनको क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, दोनों के डिनोमीटर इक्वल हैं, अब डिनोमीटर कभी ऐड नहीं होते ना कभी माइनस होते, अगर माइनस का साइन होता है, ठीक है, कभी नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, डिनोमीटर इक्वल बनाने, अगर इक्वल हैं तो उनमें से एक डिनोमीटर लेना है आपको इस तरीके से, और न्यूमेटर को साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना, साइन है प्लस का तो प्लस इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। फाइव और वन कितना होता है सिक्स, और नीचे आ गया थ्री, अब सिक्स को थ्री से डिवाइड कर दो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, यानी टू आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, टू आ गई, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, अब ये पहले माइनस वन है भाई, ये एक्स के साथ पूरा लिखा हुआ, इसको मत छेड़ो अभी, ये माइनस वन को इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू बाई फाइव इधर थ्री और प्लस वन ऐसे हो गया, ठीक है। आइए इधर कर लेते हैं, तो एक्स प्लस टू और इधर थ्री और वन कितना हो गया बच्चों, फोर हो गया। अब देखो ये पूरे के नीचे फाइव डिवाइड की फॉर्म में, इधर आकर ये भाई यहाँ पे फाइव डिवाइड की फॉर्म में था ना, इधर आकर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। एक्स इक्वल फोर फाइव जो कितना होता है ट्वेंटी, और ये प्लस टू है, इसको राइट साइड में लेके आओ, ठीक है, इधर प्लस का इधर आकर ये जब इक्वल के साइन से इधर जंप करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा इस तरीके से, तो आइए इधर कर लेते हैं, तो 20 में से 2 माइनस कर दीजिए 18, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, क्या कहता है, इजी है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर वही आ गया, ठीक है। फाइव को पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, थ्री को भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो आइए फाइव को टी के साथ करेंगे, फाइव टी, फाइव को टू के साथ भी करना है, फाइव टू जा टेन, ठीक है, हो गया प्लस का साइन। थ्री को टी के साथ करेंगे थ्री टी, और थ्री को वन के साथ करेंगे थ्री वन जा थ्री, और इक्वल ट्वेंटी फाइव, ठीक है। अब फाइव टी और थ्री टी ये दोनों सेम है, इनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि थ्री के सामने भी प्लस का साइन है, फाइव के सामने कोई साइन नहीं तो ये भी प्लस का है। फाइव टी और थ्री टी कितना होता है एट टी होता है, ठीक है। अब ये प्लस है, थ्री प्लस का है और टेन माइनस का है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, बड़े नंबर के सामने माइनस का, इसलिए माइनस का आएगा। टेन में से थ्री माइनस करेंगे कितना आएगा, सेवन आएगा, इस तरीके से ये हो गया, ठीक। आइए इधर कर लेते हैं, तो एट टी, ठीक है, इक्वल ट्वेंटी फाइव। अब इधर ये माइनस सेवन है, ठीक है ना, इक्वल के साइन से इधर लेके आओ, प्लस सेवन हो जाएगा, ठीक है। प्लस किया तो कितना आ गया, थर्टी टू आ गया। आइए इधर कर लेते, टी की वैल्यू निकालनी है, थर्टी टू है ना, ये लिख लिया, और एट इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, एट से कर देते डिवाइड, एट वन जा एट, एट फोर जा थर्टी टू, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, फोर, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है देखो, इधर तो सिक्स वाई लिखा हुआ है इक्वल, अब इधर बच्चों टू बाई थ्री लिखा हुआ, इधर टू वाई है, और ब्रैकेट के बीच में, ब्रैकेट और डिजिट के बीच में, फ्रैक्शन के बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई, तो टू टू बाई थ्री की इधर मल्टीप्लाई करके इधर देख सकते हो, टू बाई थ्री मल्टीप्लाई टू ऐसे, तो टू टू जा फोर, फोर बाई थ्री हो जाएगा, तो लिख देते हैं फोर बाई थ्री वाई ऐसे, ठीक है ना, माइनस का साइन। अब टू बाई थ्री की मल्टीप्लाई करनी है सेवन से, तो टू सेवन जा 14 बाई थ्री, तो इधर लिख देते हैं 14 बाई थ्री, ठीक है ऐसे। अब क्या करना भाई, इसके साथ y लिखा, इसको लेके आओ LHS की तरफ, लेफ्ट साइड में लेके आओ,
तो इसके सामने कोई साइन है तो माइनस का हो जाएगा इधर आकर, ठीक है ना, 4y/3। अब इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं क्योंकि दोनों के नीचे डिनोमेटर है, लेना इसके नीचे तो 3 है, इसके नीचे 1 है, ठीक है, और -14/3। अब क्या करना है, इधर कर लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। जब एक तरफ 1 हो एक तरफ कोई भी नंबर हो तो हम दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाएगा। इतना करने के बाद क्रॉस में भी मल्टीप्लाई कर देना 3 को 6 के साथ, 3 6 जा 18 माइनस 1 को 4 के साथ -14/3 आ गया, ठीक है। अब दोनों के डिनोमीटर सेम है, बीच में इक्वल का साइन आ गया, बीच में इक्वल का साइन आ गया, दोनों तरफ डिनोमीटर सेम है, इनको आप हटा दीजिए, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब 18y में से 4y माइनस कर दो आप, कितना आ जाएगा, 14y आ जाएगा, तो 14y = -14, ठीक है। y की वैल्यू निकाले तो -14, भाई 14 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, 14 से 14 को डिवाइड करें तो 1 पे जाएगा, तो y = 1 आ गया, y = 1, ये आपका आंसर है। भाई ये जो है ना, ये y = 1, ठीक है ना, ये एक्चुअली माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है ना इधर, ये माइनस का साइन आपको लगाना है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ y = -1, इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है ना, -1 आ जाएगा इधर। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, इसमें भी फिर वही है, ब्रैकेट और 5/3 के बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई करनी है, आइए कर लेते हैं। 5 2 जा 10, ये न्यूमेटर पे माना जाएगा, ये तो न्यूमेटर है ही, 5 2 जा 10 10y हो गया, और नीचे 3 आ जाएगा यूं कहूं, क्योंकि नीचे तो कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो 3 यूं कहूं, माइनस 1 के साथ भी करेंगे, 5 1 जा 5/3, और इधर 3y - 5, ठीक है। अब क्या करना है, वाई वाले टर्म को लेके आना है LHS पर, तो इधर तो 10y ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10y/3, तो ये 3y इधर प्लस का, भाई इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस का हो गया, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, ये हो गया, इसके नीचे आप 1 ले सकते हो, -5, और ये -5/3 को भी ले आओ इस साइड में, ठीक है ना। y वाले टर्म एक तरफ ले लिए, और जो खाली टर्म है, ठीक है, जो वेरिएबल नहीं है उनको RHS में ले आओ, ये माइनस का इधर आकर ये प्लस का 5/3, इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं। अब इधर भी 3 और 1 आ गया एलसीएम के फॉर्म में, इधर भी यानी 1 और 3 डिनोमीटर के फॉर्म में आ गया, एलसीएम के फॉर्म में नहीं, 3 डिनोमीटर के फॉर्म में, तो 3 और 1 का आपको लेना है एलसीएम, 3 आ जाएगा, इधर भी लेना है एलसीएम, 3 आ जाएगा। इतना करने के बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई भी कर देना, 1 को 10 के साथ करेंगे 10 आ जाएगा, 3 को 3 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है, इधर भी वही करना, 3 को 5 के साथ करेंगे 15 आ जाएगा, 1 को 5 के साथ करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है, आइए कर लेते हैं। अब फिर वही आ गया, इसमें दोनों तरफ इक्वल नंबर आ गए हैं, ठीक है, डिनोमीटर भी सेम आ गए, तो डिनोमीटर को आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10y में से 9y को क्या कर देना, माइनस कर देना, तो 1y बचेगा, ठीक है, ये आ गया, और ये इधर माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 आएगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन, इसलिए माइनस का आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो तो आपकी कंप्लीट हो गई है, अगर आप इस 3 को नहीं कैंसिल करते हैं तो भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना, तो भी यही आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 इधर डिवाइड में है, इधर आकर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो भी 3 से 3 कैंसिल बाद में हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो थी, कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को सिखाना है, अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।